हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। मैंने बैक टू न्यू वीडियो। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने एक लोकल बिजनेस की एक साइट बनाई है। तो गाइस, अगर इस टाइप की वेबसाइट अगर आप भी क्रिएट करना चाहते हो तो गाइस ये वीडियो आप डेफिनेटली देखते रहिए, क्योंकि इसके अंदर जो है आप सीख पाओगे कैसे आप जो है एक लोकल वेबसाइट जो है क्रिएट कर सकते हो लोकल बिजनेस की। ठीक है, काफ़ी ईजी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। एक तो है वेब होस्टिंग और एक है डोमेन नेम। तो गाइस, वेब होस्टिंग जो वो चीज़ होती है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, जहां पे हमको जो है स्टोरेज मिलता है, जहां हम अपनी वेबसाइट को जो है अपलोड कर सकते हैं, यानी कि किसी सर्वर पे जो है हम हमारी वेबसाइट को डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए गाइस जो हमको स्टोरेज चाहिए, और गाइस वो स्टोरेज के लिए हमको वेब होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी। और गाइस डोमेन नेम वो है जहां पे जो है आपकी वेबसाइट का जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी कि जिस नाम से आप वेबसाइट चाहते हो उस नाम से जो है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जैसे डोमेन रेसर डॉट कॉम है गाइस, ये जो है एक डोमेन है। और गाइस डोमेन रेसर के मैं बारे में बात करूं तो डोमेन रेसर पे जो है आपको वेबसाइट क्रिएट करने के लिए डोमेन नेम भी आपको मिल जाता है, और आपको यहाँ पे जो है वेबसाइट होस्टिंग भी मिल जाती है। तो गाइस यहाँ से जो है आप दोनों खरीद सकते हो। और गाइस डोमेन रेसर से जो है काफी ईजी है वेब होस्टिंग और डोमेन नेम खरीदना। तो गाइज ये जो है आपको कैसे खरीदना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज देखिए, हम यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे गाइज हमको जो है हमारा डोमेन नेम सर्च कर लेना है। तो मैं सर्च कर रहा हूँ sjwordpress.com.in। तो यहाँ से गो करो, चेक करो क्या .com जो है अवेलेबल है। तो गाइज ये बता देगा कि हाँ यहाँ ये जो है अवेलेबल है, और यहाँ से xyz भी अवेलेबल, sjwordpress.com भी अवेलेबल है, .xyz भी अवेलेबल है, और सबकी अलग अलग प्राइस है। अब गाइज देखिए, जैसे .com आप लगाओगे तो उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा रहेगी, .xyz अगर आप यूज करोगे तो उसकी प्राइस थोड़ी कम रहेगी। तो ऐसे सबकी जो है अलग अलग प्राइस है। तो जो भी आपको सही लगता है उस नाम का जो है आप पहले आपको जो है डोमेन नेम जो है ले लेना है। अब गाइज उसके बाद में जो है आपको वेब होस्टिंग चूज करनी है। अब गाइज वेब होस्टिंग में यहाँ पे तीन टाइप की होस्टिंग आती है, एक होती है शेयर्ड होस्टिंग, एक होती है रीसेलर होस्टिंग, एक होती है वीपीएस होस्टिंग। वही शेयर्ड होस्टिंग की बात करूं मैं तो गाइज यहाँ पे देखिए, एक ही जो सर्वर है उसके ऊपर काफी सारी वेबसाइट वेब होस्टिंग जो है चलती रहती है, यानी कि जो है आपकी साइट चल रही है इस होस्टिंग पे और किसी और की भी साइट चल रही है। तो यानी कि ये काफी जगह जो काफी लोगों के साथ शेयर हो रखा है। मान लो मैंने वेबसाइट बना रखी है, आपने वेबसाइट बना रखी है, और हम जो है एक ही होस्टिंग पे जो है उस वेबसाइट को जो है एक ही सर्वर पे जो है उस वेबसाइट को जो है यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ये शेयर होस्टिंग होती है, तो ये काफी सारे लोगों में जो है शेयर होती है। अब रीसेलर होस्टिंग गाइस ये है कि आप इसको खरीद के दूसरे को रीसेल कर सकते हो। और फिर वीपीएस होस्टिंग गाइस वो चीज है जहां पे आपको जो है खुद का एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको किसी के साथ होस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो गाइस आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर आपके आपकी वेबसाइट काफी ज्यादा बड़ी है, बहुत ही ज्यादा अगर आपकी वेबसाइट हेवी है, तो गाइस आपको डेफिनेटली वीपीएस होस्टिंग आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि शेयर होस्टिंग पे शायद वो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन गाइस अगर आपकी नॉर्मल वेबसाइट है तो फिर आप शेयर होस्टिंग पे आ सकते हो। तो गाइस फिर हम शेयर होस्टिंग पे जाते हैं, और हम यहाँ पे वेब होस्टिंग पे क्लिक करते हैं। गाइस यहाँ से जो है हमको वेब होस्टिंग जो है सिलेक्ट कर लेनी है। गाइस इसकी प्राइजेस गाइस जो है काफी ज्यादा चीप है, ओनली 59 रुपीज पर मंथ से जो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए 40% ऑफ, 35% ऑफ, 25% ऑफ एंड 25% ऑफ। तो गाइस यहाँ पे जो है ऑफ भी चल रहा है, तो ओरिजिनल प्राइस इसकी जो है $1, $1.65 है, बट गाइस यहाँ पे 40% ऑफ मिल रहा है, तो हमको ये इतने रुपए में मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए अलग अलग है, जैसे बेसिक है, एक पर्सनल, एक सिल्वर, एक एडवांस है। तो गाइस बेसिक के अंदर क्या होता है, आपको यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो, और 1 GB का आपको SSD स्पेस मिलता है, 10 ML ID मिलती है, 5 GB बैंडविड्थ मिल जाती है। तो गाइस ये मैं आपको प्रीफर नहीं करूंगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे सिर्फ आप सिंगल वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और आपको 1 GB SSD स्पेस मिल रहा है। तो गाइस अगर आपकी नॉर्मल सी बेसिक सी वेबसाइट भी है ना, तो गाइस आप प्रीफर करें कि एटलीस्ट आप जो है पर्सनल जो है बाई करें। तो पर्सनल जो है गाइस आप यहाँ से बाई कर सकते हो, गाइस ये भी जो है ज्यादा कॉस्टली नहीं है। और गाइस यहाँ पे आपको सिर्फ $1.69 पर मंथ में अनलिमिटेड SSD स्टोरेज मिल रहा है, अनलिमिटेड ईमेल ID आप क्रिएट कर सकते हैं, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी, प्रीमियम SEO। तो गाइस आपके अगर थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है, डिसेंट ट्रैफिक रहता है आपकी वेबसाइट पे, तो गाइस आप पर्सनल यूज कर ले। इसके अलावा गाइस आपके वेबसाइट पे थोड़ा कुछ ज्यादा ट्रैफिक रहता है तो गाइस आप सिल्वर यूज कर सकते हो। गाइस काफी ज्यादा अगर आपकी वेबसाइट पे हैवी ट्रैफिक रहता है तो गाइस आपको डेफिनेटली एडवांस यूज करनी पड़ेगी। अब गाइस मैं सिल्वर की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप 3 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, आपको अनलिमिटेड SSD स्टोरेज मिलने वाला है, अनलिमिटेड ईमेल ID मिलेगी, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगी, लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी है, प्रीमियम SEO टूल है, और गाइस गिफ्ट 1 Tree to Earth भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। गाइस यही आपको एडवांस में देखने को मिलेगा। गाइस एडवांस में जो एक चीज एक्स्ट्रा है वह है गाइस आपको यहाँ पे डोमेन नेम जो है फ्री मिल जाएगा .in और .com का। और गाइस यहाँ पे जो है आपको अनलिमिटेड वेबसाइट जो है गाइस आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप सिंगल वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप सिंगल वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे जो है आपको अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो गाइस ये आपको खरीद लेना है। थोड़ा सा लाते हैं एंड ठीक है, तो इस पे हम एक बार इसके पे आते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए आपको काफी सारी चीजें जो है देखने को मिल जाती है, और जिसमें गाइस काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आपको वर्डप्रेस भी जो है सी पैनल से इंस्टॉल करना रहेगा।
ठीक है, मैं भी के लिए लॉगिन कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो गाइज यहाँ से देखिए मैंने इसको लॉगिन करा है, और यहाँ पे देखिए गाइज आपको सिक्योरिटी रिलेटेड यहाँ पे टूल्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से सॉफ्टवेयर मिलेंगे जैसे वर्डप्रेस जैसे, जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हो, आपको सिक्योरिटी टूल्स मिलेगा। यहाँ पे आपको स्टेटिस्टिक्स देखने का देख सकते हो अपनी वेबसाइट के, एड ऑन डोमेन्स कर सकते हो गाइज, आप सब डोमेन्स को जो यहाँ पे एड कर सकते हो, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस को चेक कर सकते हो, यहाँ से गाइज फाइल्स अपलोड कर सकते हो, यानी कि आपकी जो भी वेबसाइट है लोकल होस्ट उसके साथ यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो गाइज, यहाँ से ईमेल अकाउंट जो आप क्रिएट कर सकते हो, मेलिंग लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे गाइज जैसे ईमेल अकाउंट आपको क्रिएट करना है या मेलिंग लिस्ट क्रिएट करनी है, ये सब कुछ गाइज आप जो यहाँ से कर सकते हो। तो या गाइज वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे काफी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जैसे वर्डप्रेस, जूमला, PHBP, तो इन सबको जो गाइज आप इंस्टॉल कर सकते हो सीधा यहाँ से, एंड देन उसके बाद में गाइज आप जो है अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हो। क्या आपको अपने होस्टिंग के सी पैनल में आना है, मैं डोमेन रेसर होस्टिंग के सी पैनल पे हूँ। यहाँ पे सीधा आपको वर्डप्रेस पे क्लिक करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल नाउ करना है, फिर उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपना साइट नेम, डिस्क्रिप्शन, यूजर नेम, पासवर्ड, और यहाँ पे सीधा आपको अपने डेटाबेस का नाम डालना है, उसके बाद में आपको सीधा इंस्टॉल पे क्लिक करना है। और गाइस देखिए यहाँ से सीधा जो ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो अभी जो इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद में गाइस देखिए यहाँ पे आपके पास ये दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक है WP जो कि आपका एडमिन सेक्शन का, यहाँ से जो है आप प्लगइन और थीम जो इंस्टॉल कर सकते हो, और गाइज ये है यूजर के लिए, यहाँ से जो भी होगा वो यूजर्स को दिख जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपको देखना है। आपको फ्रेंड सबसे पहले एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जो कि आपको वर्डप्रेस की साइट पे मिल जाएगा, उसका नाम है एस्ट्रा साइट। ठीक है, तो ऐड न्यू पे आता हूँ मैं, और यहाँ पे सीधा अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा प्लगइन है गाइज, ये वो जो प्लगइन है आपको वर्डप्रेस की साइट पे मिल जाएगा, इसका नाम याद रख लीजिए एस्ट्रा साइट। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करके सीधा यहाँ से इंस्टॉल कर देता हूँ। तो गाइज ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा, एंड इसके बाद में हमारे पास जो है दोनों ही ऑप्शन आ जाएंगे, बिहेवियर का तीन ऑप्शन आएंगे, बिहेवियर का, एलिमेंटर का, और वर्डप्रेस ब्लॉक का। ठीक है, तो इसको एक्टिवेट कर दीजिए इसके बाद में आप यहाँ पे, एंड एक्टिवेट करने के बाद में सीधा आपको, तो गाइज ये एक्टिवेट है, और यहाँ पे अब सीधा सी लाइब्रेरीज पे आ जाइए, लाइब्रेरीज पे आके आपको यहाँ पे आना है, बिल्ड योर वेबसाइट नाउ। अब गाइज यहाँ पे तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर और बिहेवियर बिल्डर, तो इसमें से किसी से भी अगर आपको साइट बनानी है तो उससे आप बना सकते हैं। ब्लॉक एडिटर का हम इतना यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है इतना यूज यूजली सिर्फ नॉर्मली ब्लॉक्स का एडिट करने के लिए होता है, बट ज्यादा हम एलिमेंटर और बिहेवियर बिल्डर का ही जो है यूज करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एलिमेंटर पे आ जाना है, एंड देन इसके बाद में गाइज आपको जो है आपको प्रोफेशनल पे आना है, माफ कीजिए लोकल बिजनेस में आना है, सॉरी गाइज यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है लोकल बिजनेस। ठीक है, इस पे क्लिक कर दो, एंड यहाँ पे गाइज मैं लिखूंगा स्किप एंड कंटिन्यू, एंड देन गाइज यहाँ पे आपको सीधा कंटिन्यू कर देना। अभी थीम ले लो आप जो भी कलर के, आप थोड़ा सा गाइज नेट जो है स्लो चल रहा है तो इसलिए थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, तो ये गाइज देखिए मैं एक थीम यहाँ पे मेरे लिए ले लेता हूँ। ठीक है, जो भी मुझे अच्छी लग रही है, तो लाइक दिस पर्पल थीम लुकिंग गुड, सो वी विल यूज दैट वन ओनली। ठीक है, देन कंटिन्यू गाइज यहाँ पे सब कुछ जो आपको सबमिट एंड बिल्ड साइड, बिल्ड माई साइट, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम जो है थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक के लिए। अभी 11% हो चुका है, लेकिन हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लेगा ये। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो तो गाइज आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड है कि कितना टाइम लेगा वो। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते रहिए आप। ठीक है, देखिए 100% हो चुका है, एंड 1 सेकेंड बता रहा है। ठीक है, एंड गाइज ये इतना टाइम लगा है। ठीक है, तो गाइज ये बोल रहे हैं विजिट योर साइट। ठीक है, तो अब जो हम गाइज हमारी साइट विजिट करते हैं, एंड गाइज अभी तो गाइज जो है इसकी लुकिंग इतनी अच्छी है नहीं एनी वेल, तो ये थोड़ा सा क्या है थोड़ा स्पीड का इशू है, तो थोड़ा टाइम लेगा ये, तो लेट्स वेट। तो गाइज देखिए इस तरीके से हमारी एक साइड खुली है, लेकिन गाइज ये फोटो जो है बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, एंड मेरे को लगता है शायद ये फोटो जची नहीं रही है। ठीक है, तो गाइज जैसे हमारा जो है प्लम्बर का, ठीक है, तो वी विल गो, एंड आई थिंक हमको जो है शायद बेटर हो अगर हम यहाँ पे एक PNG फो पिक्स यूज करें तो मे बी शायद थोड़ा बेटर हो। ठीक है, तो एनी वे विल गो हेयर एंड वी विल फाइंड सम PNG। पहले हम करते हैं एडिट विद एलिमेंटर, एंड हेयर आई थिंक आई विल रिसर्च द PNG रॉयल्टी फ्री। ओके, एंड यू विल फाइंड समथिंग, तो यहाँ पे PNG ट्री, एंड गाइज जो है हमारी साइट जो है लाइक इट इज समथिंग कॉल्ड लाइक बेस्ट प्लम्बिंग सर्विस है ना, तो फिर हम सीधा यहाँ पे प्लम्बिंग लिखते हैं। ठीक है, एंड गाइज यहाँ से थोड़ा बहुत हमको कुछ आइडिया होने लग गया है, बट स्टिल इट्स नॉट द बेस्ट पिक्स वी विल गेटिंग, तो वापस हम एक बार फ्री पिक्स पे जाते हैं, एंड वी विल सी कि वहां पे हमको कुछ मिलता है क्या अगर हम प्लम्बिंग का लिखते हैं तो। ठीक है, तो लेट्स डू दैट एनीवे, एंड गाइस मैं इसको लिखता हूँ PNG में कर देते हैं हम इसको। ठीक है, शायद PNG में हमको कुछ बेटर मिले।
गाइस ये पिक है एंड इसको गाइस मैं करता हूँ पीएनजी में, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसको देखिए गाइस आपको ये काम कैसे करना है, इसको सेव कर लेते हैं इधर से, ठीक है। एंड मेरा जो है वर्डप्रेस वीडियो के नाम से इसमें मैंने इस इमेज को जो है डाल दिया है, ठीक है। एंड गाइस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गाइस साइड बताता हूँ मैं आपको, बीजी रिमूवर, ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव डॉट बीजी इसको बोलते हैं, ठीक है। एनी वे एंड गाइस गो हेयर एंड अपलोड इमेज, एंड जो हमारी इमेज थी एनी वे, ठीक है, वो थी इधर। एनी वे गाइस इमेज आई नहीं है, सो आई थिंक वी हैव टू सी सम अदर इमेजेस एनी वे। एंड चलिए गाइस मैं ऐसा करता हूँ, एक बार के लिए मैं एक इमेज और लेता हूँ, ठीक है। एनी वे लाइक सॉरी फॉर दैट, बट आई थिंक मुझे जो है पैक्सल्स पे जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे प्लम्बर लिखना पड़ेगा एंड गाइस वहाँ से जो है हम किसी इमेज को वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं इसको, प्लम्बर लिखूँ मैं गाइस, प्लम्बर लिखूँ, शायद प्लम्बर लिखूंगा तो शायद बेटर रहेगा, ठीक है। बिकॉज अगर प्लम्बर लिखता हूँ तो शायद वो पर्सन आएगा, बिकॉज हमको पर्सन चाहिए। एनी वे सो यू कैन हैव लाइक लॉट ऑफ प्लम्बर्स ऑप्शन एनी वे, ठीक है। तो गाइस ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। एंड आई थिंक दिस लुक कूल, बट ये शायद इतना कूल नहीं है, एंड शायद ये जो है हमारी साइट के हिसाब से नहीं, लेकिन हमको जो देखना पड़ेगा दिस वन लुक फाइन आई थिंक, क्योंकि हमको देखना है गाइस हमको जो यहाँ पे देना है, देखिए गाइस यहाँ पे नीचे तो एनीवे एरिया है, सो हम जो है इवन इसको भी दे सकते हैं, तो इट्स विल बी फाइन। लेट्स गो एंड गाइस अब हमको क्या करना है, इसको जो है डाउनलोड करना है, ठीक है, फ्री डाउनलोड। एंड ये डाउनलोड हम कहाँ पे करेंगे, जी बी। एंड गाइस अब मैं इसका हमको बैकग्राउंड रिमूव करना है, सो देन गो हेयर एंड अपलोड इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको अपलोड कर दिया है एंड गाइस अब जो ये इसका बैकग्राउंड जो गाइस रिमूव कर देगा, ठीक है। एनी वे सो लेट्स रिमूव द बैकग्राउंड एंड या ओके, सो डाउनलोड, वी विल डाउनलोड इट नाउ इन द सेम एंड ओके। तो गाइस ये इमेज है, इसको जो हमको रिप्लेस करनी है, सो आई विल गो हेयर एंड यहाँ पे देखिए गाइस चूज इमेज एंड यहाँ से गाइस मैं इंसर्ट करता हूँ, गो एंड इंसर्ट हेयर एनी वे, लेट्स गो दिस एंड डू दिस एनी वे, इंसर्ट मीडिया अपलोड फाइल, सो वी विल हैव टू अपलोड इट फ्रॉम हेयर एक्चुअली। तो ये गाइस हमारा पीएनजी है एंड वी विल अपलोड इट हेयर, थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, तो इसमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमको। तो गाइस देखिए यहाँ पे अपलोड हो गई है, लेट्स इंसर्ट दिस। तो गाइस देखिए यहाँ पे अब ये आ गया है, ठीक है। तो पहले से जो है बेटर लग रहा है ये, पहले क्या था वो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। तो नाउ वी विल यूज दिस वन हेयर, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे फिर आप अपना जो है टेक्स्ट लिख सकते हो, लाइक बेस्ट मोस्ट रिलायबल प्लम्बिंग सर्विस इन सैन फ्रांसिस्को, आई से लाइक सैन फ्रांसिस्को तो मतलब ही नहीं है, ये इंडियन साइड है, सो लेट्स डू दैट एंड लेट्स लाइक इन इंडिया, ठीक है। एंड गाइस इसके अलावा अगर आप इसको थोड़ा छोटा करना चाहो तो लेट्स ये भी आप कर सकते हो। एनी वे ये गाइस फुल में है, सो ठीक है। एनी वे ये ठीक है, एनी वे लेट्स गो दिस। एंड गाइज यहाँ पे देखिए ये हमने ये तो कर लिया है, ठीक है। इसके बाद में गाइज हमारे पास और ऑप्शन है, ये रिक्वेस्ट है, इसको आप कलर चेंज कर सकते हो, लेकिन गाइज अभी फिलहाल के लिए ठीक है। गाइज ये प्लम्बिंग के ये जो बटन से गाइज यहाँ पे मुझे इतना कुछ लग नहीं रहा है, यहाँ पे अपने मैसेज दे सकते हो एंड गाइज यहाँ पे अपनी फोटो वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। गाइज यहाँ पे आपको नंबर डालना है, यहाँ पे गाइज आप अपने कस्टमर की फोटोज लगा सकते हो, उनके स्टार्स वगैरह जो है वो लगा सकते हो और लिख सकते हो, ठीक है। बाद में गाइज यहाँ पे एक गैलरी है, तो आपने जो भी काम किया उसके वो दे सकते हो गाइज यहाँ पे। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा विजिट्स लगाने हैं तो वो आप लगा सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है अवेलेबल है अगर आप लगाना चाहो तो। गाइज जैसे मैं बोलता हूँ लाइक इफ आई गो हेयर, तो गाइज देखिए यहाँ पे ब्लॉक्स है एंड टेम्पलेट्स वगैरह, ठीक है। तो वो ब्लॉक्स का जो है गाइज आप यूज कर सकते हो, तो ठीक है। तो गाइज देखिए ब्लॉक्स है, सेकेंड यूज दोज ब्लैक्स, ठीक है। तो ये ब्लॉक्स जो है गाइज आप यूज कर सकते हो एंड तो गाइस काफी सारी चीजें हैं। एनी वे ये आपका यहाँ पे आप बिजनेस आवर दे सकते हो कि कितने बजे से कितने टाइम पे आप रखोगे, यहाँ पे अपना एड्रेस दे सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये सब जो है चेंज कर सकते हो, काफी इजी आपको मालूम है, ठीक है। लगे आपको जो भी से भी जो भी चीज चेंज करना है, सीधा एडिट विद एलिमेंटर पे आप आओ और वहां से सीधा जो है गाइस आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने इसको अपडेट कर दिया है ताकि ये फोटो गाइस जो है यहाँ से चेंज हो जाएगी, गाइस अब जो है ये बेटर लग रही है, ठीक है। पहले जो था वो आप अगर आप प्लीज पहले वाला देखो तो बहुत गंदा लग रहा था, ठीक है। एनी वे नाउ इट लुक बेटर एनी वे। एंड या ये प्लम्बिंग एंड मुझे लगता नहीं इसमें और कुछ स्कोप है चेंज करने का, तो यही जो मैं चेंज करूंगा एंड होपफुली आपको गाइज जो ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो गाइज हम इसको ओरिजिनल देखते हैं इस साइड को, सो नाउ दिस लुक लाइक दिस, ठीक है। एंड इट्स लुक गुड, बट यहाँ पे गाइज ब्रांड नेम नहीं है, तो वी विल गिव वन मोर थिंग एंड वी विल गो टू जनरल सेटिंग एंड यहाँ पे गाइज आपको एक बार रिफ्रेश कर लेना है एनी वे, ठीक है। एनी वे एंड आई विल डू दिस एनी वे। एक्चुअली ना क्या होता है कभी कभार डायरेक्टली डिफरेंट बनी होती है ना, तो फिर वो हो जाता है, तो लेट्स वेट एंड जब तक ये खुलेगा तब तक गाइस देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो गाइस मैं जो है नाम चेंज करने वाला हूँ। सॉरी गाइस आज लो चल रहा है इंटरनेट बहुत ज़्यादा।
एनीवे गाइस, सो दिस इज इट। ओके, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। एनीवे तो अब गाइस मैं जनरल सेटिंग में जाता हूँ गाइस, यहाँ पे हमारा नाम चेंज कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ प्लम्बर, ठीक है। प्लम्बर सर्विसेज, ओके ठीक है। एनीवे गाइस, मैंने ऑलरेडी प्लम्बर की एक साइट बना रखी है, बट क्या करूँ क्योंकि एक लोकल बिजनेस के लिए, मान लो अगर लोकल बिजनेस है एरिया में, उसके लिए काफ़ी सारी साइट्स बन सकती है, आपको मालूम है, ठीक है। एनीवे एंड गाइस, इसके बाद में जब ये सेव हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी गाइस हमको जो है वो चीज़ दिखने लग जाएगी। वैसे भी सेव हो गया, तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं अभी हम। एंड गाइस, यहाँ से जो ब्रांड नेम है गाइस, यहाँ पे शायद हमको लोगो लगाना पड़ेगा, बट गाइस अभी जो है प्लम्बर यहाँ पे लिखा होने लगेगा, प्लम्बर सर्विस टाइटल में। यहाँ पे गाइस आपको ब्रांड का जो है लोगो लगाना पड़ेगा, तो इसको जो है मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो आपको एडिट विद एलिमेंटर पे आना है, एंड या एंड गाइस यहाँ पे आके देखिए गाइस, आपको यहाँ पे लोगो लगाना पड़ेगा। जब हम शुरू में लोगो लगाते हैं ना, वहीं से आपको लोगो लगाना पड़ेगा जब हम साइट पे जाते हैं, ठीक है। तो साइट सेटिंग वगैरह भी है यहाँ पे, यहाँ से भी आप जो है चीज़ों को जो है गाइस चेंज कर सकते हो। एनीवे तो ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पे अलग चीज़, अगर आप ये चीज़ें ऐड करना चाहते हो, जैसे ग्लोबल कलर्स टाइपो ग्राफी, ठीक है। तो ये गाइस देखिए, आप टाइपोग्राफी पूरी साइड की जो है वो यूज कर सकते हो, जैसे ज़्यादा पे हेडिंग वन यूज हुआ है, उसको आप कैसे यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ये बटन्स है यार, ठीक है। तो यहाँ पे बटन्स के ऊपर आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे गाइस आपका फॉर्म फील्ड्स है, तो उनके ऊपर आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस ये जो है साइड सेटिंग में जो है आपको मिलती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो गाइस ये मैंने बता दिया किस तरीके से जो है अपना लोकल बिजनेस की साइट बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस डेफिनेटली अभी जाइए और क्रिएट करिए, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो यहाँ पे नीचे लाइक का बटन है, इसको आपको लाइक करना है अभी की अभी। एंड गाइस कुछ भी क्यूरीज है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो नीचे यहाँ पे कमेंट बॉक्स जो है यहाँ पे आपको कमेंट करना है, और गाइस मैं उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि आपको जो है क्या करना है। अगर कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और इसके अलावा गाइस कुछ भी आपकी अदर क्यूरीज है, तो कमेंट कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर या किसी पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट बनाऊं, तो गाइस इसके लिए नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि उसी टाइप की वेबसाइट गाइस जो मैं वर्डप्रेस में जो है आपको बना के बता दूंगा। तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट खाली है, इसीलिए यहाँ पे कमेंट करिए। एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी पसंद आ रही है, तो गाइस यहाँ पे देखिए नीचे सब्सक्राइबर का बटन है, इसको सब्सक्राइब करो। और गाइस इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना है। तो गाइस ऐसे में जब भी मेरी वीडियो या निशिता की वीडियो इस चैनल के ऊपर आएगी, तो आपको उसकी इंस्टेंटली अपडेट मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।